यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सत्ता में फिर से वापसी कर ली है। वहीं बीजेपी को 403 सीटों वाली विधानसभा में 273 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला। बीजेपी को बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ के फिर से मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन वे कब पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राज का आगाज कब होगा, समर्थकों को उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है। वही काशी यानी वाराणसी के ज्योतिषी की माने तो 14 मार्च को रंगभरी एकादशी है और इस दिन योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए दो उत्तम मुहूर्त है। जी हां, आपको बता दें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के दृष्टि ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक मालवीय के मुताबिक 14 मार्च को या सुबह फिर या तो शाम को शपथ ग्रहण करने के लिए उत्तम मुहूर्त माना गया है। वहीं ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक मालवीय के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने यदि 14 मार्च को मुख्यमंत्री का शपथ नहीं ले तो करीब एक महीने तक शुभ मुहूर्त का इंतजार करना पड़ सकता है। जी आपको बता दें क्योंकि 14 और 15 की देर रात से हर मास भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 मार्च को रंगभरी एकादशी है। वहीं शास्त्रों के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर वाराणसी आए थे। वहीं मालवीय ने कहा कि 14 मार्च को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक अभिजीत नाम का मुहूर्त है, जिसकी शास्त्रों में अत्यंत सुंदर चर्चा की गई है। इसी मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म भी हुआ था। उन्होंने बताया कि इसके बाद शाम को 3:49 पे और 6:03 पर लग्न है, जो कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए उत्तम होगा। वहीं पंडित दीपक मालवीय के मुताबिक इसके पहले 10:47 पर भद्रा भी है, जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। वहीं 14 और 15 की रात्रि में 2:10 पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा और 1 मास का खरमास प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। वहीं पंडित दीपक मालवीय आगे भी कहा कि सभी प्रकार के कार्यों के लिए मुहूर्त का निर्धारण किया गया है, इसके लिए तिथियों और नक्षत्रों का निर्धारण किया गया है। वहीं विवाह मुंडन गृह प्रवेश वास्तु प्रवेश और वास्तु शांति के साथ ही राज्याभिषेक और विजय के लिए भी मुहूर्त का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि शास्त्रों के मुताबिक मुहूर्त में किए गए कार्य सिद्ध होते हैं और सफलता की 60% सफलता की गारंटी भी होती है।